इशू जो है वो गुवाहाटी का जो रेप केस है। सिमिलरली थोड़े दिन पहले एक और केस हुआ था तरुण तेजपाल का। अब वो तो हाई प्रोफाइल केस था, उसमें बहुत सारे लोग भी उसपे जुड़े हुए थे, हाई प्रोफाइल फेमिनिस्ट लॉयर्स जो है। लेकिन दोनों में सिमिलर एक इंसिडेंट है, एक चीज है दोनों केसेस में सिमिलर, वो है मीडिया मैनिपुलेशन। कैसे किया मीडिया मैनिपुलेशन? जैसे तरुण तेजपाल के केस पे मीडिया ने खाली एक लाइन डाल दिया, पूरे जजमेंट से एक लाइन निकाल लिया कि जज ने क्या बोला, उसको उधर डाल के सारे लोग चढ़ गए, आर्टिकल्स पब्लिश हो गए। और ये ऑनलाइन जितने भी पोर्टल्स हैं, न्यूज़ पोर्टल्स हैं, इनको तो क्लिकबेट से ही मतलब है और कुछ नहीं चाहिए। इनको सीपीएम, एड का सीपीएम होता है, उसके बेसिस में इनको पैसा मिलता है। तो वो तो, और सेम अभी गुवाहाटी का जो केस है उस पर क्या हुआ, सिमिलरली उस पर इधर ये डाल दिया कि पूरे जजमेंट से बेल दिया है, बेसिकली कन्विक्ट नहीं किया, एक लाइन उठा के डाल दिया कि कहीं पे जज ने बोला था कि वो जो अक्यूज्ड है वो ब्राइट स्टूडेंट है और उसके ऊपर वो स्टेट का एसेट है, ये बात बोल दी और असली बात छुपा दी। आर्टिकल के बिल्कुल आखिर में, सारे आप आर्टिकल्स देख लो उसमें, या तो बीच में या फिर कहीं एकदम आखिर में इस ऊपर डाल दिया कि इन्वेस्टिगेशन पूरी हो चुकी है, एविडेंस जो भी है उसको टेम्पर करने का कोई चांस है नहीं अभी, और जो अक्यूज्ड है उसको कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं है, सॉरी कंप्लेनेंट जो है उसको अक्यूज्ड के तरफ से कोई ऐसा कोई थ्रेट नहीं है लाइफ का कि वो इन्वेस्टिगेशन को कुछ वो कर सके या उसके जान को कोई हानि पहुंचा सके। तो इसको लेके भी फेमिनिस्ट चढ़ गए, और स्पेशली वेरीफाइड जो प्रोफाइल्स है, फेमिनिस्ट लॉयर्स है कुछ और भी काफी कई सारे हैं, सिम्स नाम नहीं ले रहा हूं मैं किसी का, वो लोग भी खाली वो आर्टिकल का, न्यूज़पेपर का खाली एक कटिंग लगा दिया, और बीच में जो हमारे जैसे बंदे हैं वो सारे लोग कमेंट करके बता रहे हैं कि जो आप बोल रहे हो वो आधा सच है। वो आधा सच आप इसलिए बता रहे हो क्योंकि वो आपके एजेंडे को सूट करता है, बाकी आधा आपने छुपा दिया। यहाँ पे ऐसा दिखाने की कोशिश किया जा रहा है कि बंदे को वो रेपिस्ट, जो रेपिस्ट बोल रहे हैं, यहाँ पे भी हिपोक्रेसी देखो। सेम चीज पे, सेम किसी क्राइम पे अगर कोई वुमन, कोई महिला औरत अगर किसी अक्यूज्ड होती तो या तो उसका जस्टिफिकेशन देने आते या फिर उसको अक्यूज्ड ही बोलते, उसको कन्विक्ट नहीं बोलते। लेकिन यहाँ पे उसको रेपिस्ट बोला जा रहा है, रेपिस्ट बोला जा रहा है और वेरीफाइड प्रोफाइल्स बोल रहे हैं। और जब हम लोग गए कुछ एमआरएस उनको रिस्पॉन्ड किए, एक तो इनका ऑनलाइन लिंचिंग हो गया और आज तो एक बंदे का अकाउंट ही हैक हो गया, उसका प्राइवेट जितने भी इंफॉर्मेशन है वो लोग निकाल लिए उन लोगों ने, उसका फोटो निकाल लिया, और जो फोटो उसने ट्विटर पे अपलोड नहीं किया, फेसबुक पे भी नहीं किया, किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड नहीं किया, वो फोटो उन्होंने निकाल के, एक वेरीफाइड प्रोफाइल है ट्विटर में, नाम नहीं लूंगा, सर्विंग आईपीएस ऑफिसर है, उसके ट्विटर के ट्वीट के नीचे ये सब कुछ हो रहा था। तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा नेक्सस है इनका, ठीक है ना बोधी भाई, आप इस पे कुछ ऐड करोगे? हाँ, मैं सबसे पहले तो ये बात बोलूंगा कि ये है बहुत बड़ा नेटवर्क, और इनका जो ये बिजनेस चलता है, ये चलता है मतलब बवाल मचाने से। इन लोगों को बवाल मचा के रखना है, मतलब इन लोगों को पूरा जजमेंट में अपने एजेंडे का एक ही लायक वर्ड मिला, जिसमें जज ने शायद ऐसा बोला होगा कि ये स्टूडेंट जो है उसका फ्यूचर ब्राइट है, ये अच्छा स्टूडेंट है, तो उन लोगों ने उसको मुद्दा बना दिया, बाकी सबको छोड़ दिया। ये फेमिनिस्ट लोगों का ये आदत है। जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखा था, उसका नाम क्या था, प्यार का पंचनामा। उसमें एक सीन था जिसमें इशू कुछ और रहता है, बीच में लड़के का उंगली उठ जाता है, तो लड़की उसको इशू बना देता है कि उंगली क्यों दिखाया। तो आगे का इशू क्या है, वो दूसरा कहीं पे चला जाता है, इशू बन जाता है कि उंगली क्यों दिखाया। तो इन लोगों का ये जो नेचर है, ये बहुत पुराना नेचर है, और उन लोगों का धंधा ही ऐसा चल रहा है। और जहाँ पे मीडिया का बात है, तो उन लोगों को फंडिंग मिलता है। अब जिस चीज से उनको फंडिंग मिलता है वो तो वो करेंगे ही। अभी कोई पॉलिटिशियन अगर एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा देगा, करोड़ रुपया रुपया दे देगा, तो न्यूज चैनल खोल के हम लोग सबसे पहले उसी का फोटो देखते हैं। तो
तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अभी हम लोगों को जो समझना है कि हम लोग इसको मतलब ये हिपोक्रेसी को हम लोगों को हैंडल कैसे करना है। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि हम लोग ऑलरेडी हम लोग कुछ हैंडल तो किए ही है। आपने जिस इंसिडेंट के बारे में आज बोला कि एक एमआरए का अकाउंट हैक किया गया है, तो बाद में जिस अकाउंट से वो हैक हुआ था वो ट्वीट भी डिलीट कर दिया क्योंकि सारे एमआरए की तरफ से रेस्पॉन्स आया था, तो वो अपना ट्वीट भी डिलीट किया और सारे एमआरए को ब्लॉक भी किया, ब्लॉक करके भाग भी गया। मुझे लगता है एक लड़की ब्लॉक करके भाग गई लड़की, और जिसके अकाउंट में हुआ था जैसे आपने बताया कि वो एक पुलिस वाले के अकाउंट में ही हुआ था पूरा चीज। तो ये डर जो है ये डर बना रहना चाहिए कि उन लोगों को लगता है कि वो लड़की है तो मतलब कुछ भी बता के धमकी दे के, क्योंकि वो ट्वीट जो था वो ट्वीट बहुत ही मतलब थ्रेटफुल था, मतलब जैसे वायलेंस टाइप का है कि हाँ हम लोग देख लेंगे, हम लोग प्राइवेट आके मिलेंगे, इस टाइप से था। तो वो बहुत ही उसका मैंने स्क्रीनशॉट भी लेकर रखा था, जब उन्होंने डिलीट किया उससे पहले स्क्रीनशॉट ले लिया गया था। तो अगर जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर उसको डाल भी सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं। क्योंकि और कुछ हमारे ने मिनिस्ट्री लेवल में लेवल को भी इसमें टैग किया हुआ है, पीएम ऑफिस, एचएम ऑफिस, हर जगह पे टैग हुआ है लॉ अरे नहीं नहीं मिनिस्टर। इन लोगों को देखो ना, टैग तो हमको करना है, हम टैग कर देंगे। टैग करने से क्या होगा, हम फॉर्मल कंप्लेन भी लिख के भेज दें, फिर भी इस पे तो करते कुछ है नहीं। थोड़े दिन पहले हाँ जैसे फॉर सही बात। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल एक चीज बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ एक छोटा सा, कि वो पीडोफाइल का एक थोड़े दिन पहले दिल्ली वुमेन कमीशन ने कॉग्निजेंस लेके केस रजिस्टर करवाया था, याद है ना आपको। हाँ उससे हाँ हम सारे एमआरएज ने मिलके ऐसा एक और प्रोफाइल ढूंढा था इंस्टाग्राम पे, हम एटलीस्ट ज्यादा नहीं होंगे तो कम से कम 10-15 लोगों ने हमने एनसीपीसीआर को ईमेल करके भेजा, कोई रेस्पॉन्स नहीं आया। और ये वाला सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि एक बड़े हैंडल ने उसको हाईलाइट कर दिया और हमारे दिल्ली वुमेन्स कमीशन के वो जो है चेयरमैन उन्होंने देख लिया, वरना वो भी नहीं होता। तो इनके अंदर देखो डर डर उसके अंदर होगा ना, जैसे हमारे अंदर क्या डर है नॉर्मल बंदे के अंदर, के कुछ बोल नहीं सकता। यू लखनऊ वाला केस देख लो आप, कुछ बोल नहीं सकता। और यहाँ पे जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं हम, तो वो जो धमकी दी उस लड़की ने, वो उसके अंदर आता कहाँ से है, उसको पता है सही कि बात। उखाड़ लेंगे हम, क्या उखाड़ लेंगे हम। बीच सड़क में बंदे को लात घूंसे मार दिए, 22 थप्पड़ मार दिए, और इंटरोगेशन के नाम पे पुलिस अपने पुलिस स्टेशन पे बुला के चाय और समोसे पिलाती है, खिलाती है। तो ये अंदर में जो इनका कॉन्फिडेंस है ये तो आएगा ही ना। सही बात है। जैसे बात यह है कि उन लोगों का पुलिस का एक्सप्लेनेशन भी ऐसा है कि उनको वो बता रहे हैं कि हम लोग को प्रूफ मिला नहीं अभी तक, इसलिए हम लोग अरेस्ट कर नहीं पाए। तो अभी तक जो इतने इतने सालों से जो मतलब लोगों को पकड़ रहे हैं, सबके सबको क्या प्रूफ मतलब कलेक्ट करने के बाद ही अरेस्ट किया जाता है? अगर यहाँ पे 498A में हाँ अगर अगर ये एक्सक्यूज दे रहे हैं ये लोग इमीडिएट अरेस्ट का, तो थोड़े दिन पहले, तो कुछ साल पहले वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज किया, फिर भी होते हैं। लेकिन तो इतने सालों से जो अरेस्ट हो रहा था वो एविडेंस देख के होता था। वही बात है, वही बात है। तो ये मतलब ये तो डबल स्टैंडर्ड हो गया मतलब। और किस हिसाब से वो लोग बोलते हैं कि लॉ में जो है सबका बराबर का हक है, तो ये तो मतलब सही नहीं दिख रहा है, और ये सही है भी नहीं। ये तो बस अभी के टाइम में सबको पता है, हम लोग 70-75 साल से यही देख रहे हैं कि कैसे चल रहा है। तो लेकिन अभी इसको तो चेंज होना है, क्योंकि हम लोग सिर्फ हो रहा है करते करते जाएंगे, ऐसे तो हो नहीं सकता। एक ना एक दिन इसको चेंज होना है, और अभी थोड़ा थोड़ा तो चेंज हो रहा है, क्योंकि हम लोग ये चीज भी देखे हैं रिसेंटली, 1-2 दिन में हम लोग इस चीज का भी अनुभव हुआ है हम लोगों को कि काफी फेमिनिस्ट को काफी प्रॉब्लम हुआ है। ये जो हम लोग का रिसेंट जो एक हैशटैग चला था मेंस लाइव्स मैटर का, उससे उन लोगों को काफी प्रॉब्लम हुआ था। तो ये लोग अभी
आयरनी देखो कि जो लोग अभी बोल रहे थे जो अभी थोड़े दिन पहले वो नीरज चोपड़ा के वो जो रेड एफएम, अरे रेड एफएम ही तो था ना वो जो कांड हुआ था नीरज चोपड़ा का जो शायद मुझे कौन सा एफएम था पता नहीं, मलिष्का करके कोई लड़की थी, कोई आरजे थी, वहां पे जो दो कोरी की फेमिनिस्ट लोग उसको डिफेंड कर रही थी और मर्दों को एमआरएस को स्पेशली ज्ञान पेल रहे थे सारे लोग, अभी वो गुवाहाटी वाले को लेके पूरा एकदम 360 डिग्री घूम गए। अबे कन्विक्शन नहीं हुआ है, अभी भी एक्यूज्ड है, क्यों उसके पीछे वो कर रहा है, और बीटीएस वाले भी इस पे घुसपरे और क्या मतलब अब्यूजिव मतलब ट्वीट कर रहे हैं आज पूरा दिन। मैंने तो सुबह से खोल के खाली गालियां खा रहा हूं। और ये फिर हम लोगों को बताएंगे नहीं इंक्लूसिव नहीं है एमआरएस, मर्द इंक्लूसिव नहीं है, फिर फ्रजाइल ईगो है हमारा। जो बंदा देखो कि कुछ एक मेरे फॉलोअर्स ने मेरे कमेंट को लाइक कर दिया, लाइक करने से ही उसको ब्लॉक कर देते हैं और हमको सर्टिफिकेट दे रहे हैं ईगो का कि हमारा ईगो फ्रजाइल है, खुद ऑपरेट कर इमोशंस के ऊपर कि जो मेरे को अच्छा लग रहा है। और इनका ना औरतों का एक प्रॉब्लम है कि उनको अंदर से अगर वो फीलिंग अच्छी नहीं आई वो उस पर बिलीव नहीं कर सकते, उनका मतलब वो एक एंटाइटलमेंट है ना कि लड़की ने बोल दिया रेप हुआ तो हुआ होगा कंफर्म, इस पे और कोई क्रॉस एग्जामिनेशन की जरूरत नहीं है। मामला अभी कोर्ट तक भी नहीं पहुंचा, खाली पहुंचा खाली बेल हुआ उसका, कोई क्रॉस एग्जामिनेशन भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, इस पे भी पेल रहे हैं। और जब ये और वेरीफाइड प्रोफाइल्स पेल रहे हैं भाई, मिलियंस में जिनके फॉलोअर्स है, सुप्रीम कोर्ट्स के लॉयर हैं, ठीक है ना। नहीं एक्चुअली प्रॉब्लम ये है इंडिया में कि जब बात एडल्ट लड़के का आता है तो फर्क नहीं पड़ता कि रेप लड़का किया है या लड़की किया है, जेल लड़के को ही जाना है क्योंकि लड़के के पास तो लॉ है नहीं, वो 375 या 376 के सेक्स में कोई केस कर नहीं सकता है। केस जो बनता है वो लड़की के हिसाब से बनेगा, लड़का तो लड़के का तो पास कोई है नहीं लॉ। तो यही वाला सीन हो रहा है अभी अपने इंडिया में। तो ये इस टाइम में हम लोग पिछले 10 साल का अगर आप डालोगे जेंडर न्यूट्रल लॉ करके आप लिखोगे गूगल में तो आपको दिखे, आपको आर्टिकल मिल जाएगा पिछले करीब करीब 15-20 साल का, आपको आर्टिकल मिल जाएगा कि इतने दिन से ये चले आ रहे हैं, मतलब लोग लिख रहे हैं कि ये दिस इज द नीड ऑफ द आवर, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये क्यों नहीं हो रहा है और इसके पीछे क्या कारण है। जो हम लोगों का जो 2005 में जो डीबी एक्ट जब पास हुआ तो आपको शायद पता होगा कि उसमें कोई अपोज नहीं हुआ था पार्लियामेंट में, जो है जो तब बीजेपी का गवर्नमेंट था ऑपोजिशन में, तो उन लोगों ने अपोज नहीं किया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि क्यों नहीं किया था, ऐसे कैसे पास कर दिए। उन लोगों का कोई कमजोरी है जिसको पकड़ा हुआ कि वो लोग कुछ बोल नहीं सकते हैं ऐसा। हम लोग वेब सीरीज में बहुत कुछ देखते हैं, मतलब बहुत कुछ बताता है कि हाँ इन लोगों का ऐसे ब्लैकमेल किया जाता है या फिर ब्राइब किया जाता है, कुछ ना कुछ तो कारण होगा, ऐसा तो हो नहीं सकता, उन लोगों को दिखा नहीं होगा कि एक तरफा पूरा एक जेंडर को पूरा दबाने के लिए बनाया जा रहा है। और वो मैं एग्जैक्ट याद ईयर मुझे याद नहीं है, शायद 2011 होगा, यूपीए की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे जब सेक्सुअल क्राइम्स को जेंडर न्यूट्रल करने के लिए वो कैबिनेट पे एक अप्रूवल आया था, कैबिनेट ने शायद अप्रूव भी कर दिया था उसको, लेकिन वो फेमिनिस्ट हमारे स्पेशली जो वो एक आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का जो स्पेशली हमारे मुंबई वाले जो फेमिनिस्ट, उन लोगों को पता नहीं क्या मिर्ची लग गई, उन लोगों को दिखा कि ये औरतों के खिलाफ यूज होगा। एक तरफ तो ये लोग ये बात करेंगे कि लड़कियों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है वगैरह वगैरह वो सबको हम सीरियसली नहीं लेते, फिर जब हम हमारी बात करेंगे तो इमिडिएटली टर्न मार देंगे कि नहीं ये तो तुम्हारा कुछ नहीं होता। जैसे थोड़े दिन पहले नीरज चोपड़ा का जो इंसिडेंट हुआ था वहां पे एक एडिटर है न्यूज पोर्टल की, इंडिया की पोर्टल नहीं है वो बाहर का है, इंडिया हेड है वो, एशिया का हेड है वो, एक औरत है, उसने क्या किया
सिमिलर दो लाइन लिख दिया उस मलिष्का के खिलाफ, और तीसरे ट्वीट पे जाके सेम कर दिया कि जो हरासमेंट जो लड़कियां फेस करती है वो लड़कों के हरासमेंट से ज्यादा है, और हमारे जो बंदे हैं स्पेशली जो यंगस्टर्स है, जो नए मतलब बंदे यंग लड़के हैं, वो लोग उसको सपोर्ट करने लगे। अरे भाई समझ तो ले, क्या क्या लिखा है उसने वो तो समझ ले पहले। दो लाइन का मतलब तेरे को एक मतलब मछली पकड़ने के लिए जो चारा देते हैं, तेरे को चारा दिया ऊपर का दो देके तेरे को नीचे से पकड़ लिया। सही बात, हमको तो दिखाई देता है क्योंकि हम तो हर दिन ही इनके साथ बहस में लगे रहते हैं, इन लोगों को नहीं दिख रहा है। वो क्यों नहीं दिख रहा है इन लोगों को? और जैसे गुवाहाटी वाला केस ही ले लो आप, जितने भी लोग हैं मतलब उसको जस्टिफाई करने के लिए, अपने पॉइंट को प्रूफ करने के लिए 2 साल 3 साल 5 साल पुराना केस भी ला रहे हैं, उठा के उसको चिपका रहे हैं, और क्या चिपका रहे हैं? मीडिया आर्टिकल्स। तो लोगों का, फेमिनिस्टों का डेस्पिरेशन देखो आप, मीडिया आर्टिकल्स चिपका रहे हैं, और हम लोग क्या चिपकाते हैं? सीधे कोर्ट का वो वर्डिक्ट जजमेंट लाते हैं। उतना पढ़ने का भी टाइम नहीं है इनको, खाली प्रोपागेंडा फैलाना है इन लोगों को। मीडिया आर्टिकल्स जो भी अपने बेनिफिट के मतलब उसका मिल गया अपने हिसाब से, उसको लाके चिपका देंगे उधर। सही और सिमिलर केसेस में जैसे आप लोग, आपको भी पता होगा बहुत सारे केसेस है, अटेस्टेस तो सारे इसके केसेस याद नहीं आते, ऐसे कितने सारे केसेस होंगे जिनमें रेप केसेस में, और रेप केस अगर इन जनरल भी मैं रेप केसेस की बात करूं, मोर देन हाफ ऑफ देम आर फाइल्ड इन प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो अगर कोई बोलता है कि उनको सीरियसली लो, हम कैसे सीरियसली ले लें इनको? जब आधे से ज्यादा केसेस प्रीटेक्स्ट ऑफ मैरिज में है तो हम उसको सीरियसली ले लें? सही बात है। वही वाला चीज मैं भी बोल रहा था कि उन लोगों ने अभी अभी कुछ लोग आते हैं, दिमाग भी लगाते हैं बीच में आके ऐसा बोलते हैं कि कन्विक्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये नहीं है कि वो फॉल्स केस है, कन्विक्ट नहीं हुआ इसका मतलब ये है कि वो प्रूफ नहीं हुआ। अब पॉइंट ये है, दो एक लड़का एक लड़की लिव इन में रह रही है, 3-4 साल रह रहती है, उन लोगों ने कसमें वादे खाए हुए होते हैं, फिर ब्रेकअप हो जाता है, एक दिन लड़की केस कर देती है, तो लड़की को पता नहीं है कि उसने झूठा केस डाला है, तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि कन्विक्ट नहीं हुआ है, कि हम लोग उसको फॉल्स केस बोलेंगे? ये बहुत सिंपल बात है। हाँ, और इसमें एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ कि हाँ। और ये जो पॉइंट अभी आपने बताया ये खाली नॉर्मल बंदे का नहीं है, कि जैसे लेमन का वो आर्ग्यूमेंट नहीं है, पीएचडी स्कॉलर्स तक मैंने देख लिए, खाली इंडिया के नहीं बाहर के भी है बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स है। ये जो है ना कि कन्विक्ट नहीं हुआ, एक्विट हो गया केस से, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसने क्राइम हुआ नहीं है, ये टेक्निकल ग्राउंड है, वो टेक्निकल ग्राउंड के बेसिस पे वो लोग स्कोर करना चाहते है। आप बता दो किसी भी केस को लीगली फॉल्स डिक्लेयर करवाने का प्रोसेस क्या होता है? एक्विटल के बाद आपको परजरी के लिए फाइल करना होगा मोस्ट प्रोबेबली, और अपने देश में तो डिवोर्स केसेस भी 20-25 साल तक चलते हैं, तो अगर 5 साल 10 साल बाद बंदे को अगर किसी फॉल्स केस से राहत मिलती है, जान छूटती है, वो बोलेगा कि भाई जान बच गई वही काफी है, बाकी सब छोड़ो, मेरे को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जिंदगी में दोबारा कभी कोर्ट कचहरी जाने की मतलब उसकी ख्वाहिश नहीं होगी। सही तो, बात, यही चीज उसमें भी हुआ, वो जो रोहतक सिस्टर का केस में भी वही चीज हुआ, उन लोगों को 3-3 बार ये मिला, मतलब उन लोगों को एक्विटल मिला, फिर भी जब उन लोगों ने करने गए मानहानि का केस, तो कोर्ट ने बोल दिया कि लड़की लोगों ने भी बहुत सफर किया, अभी हटाओ खत्म करो इसको। तो ऐसे अगर चलेगा तो इससे मतलब लोग समझ नहीं रहे कि जब एक आदमी को, एक पूरा जेंडर को अगर न्याय नहीं मिलता है तो न्याय फिर उसको खुद को करना पड़ेगा समहाउ। आप क्या मैसेज दे रहे हो? आप ये मैसेज दे रहे हो कि आप लड़के हो, अगर आपके ऊपर जुल्म होता है किसी लड़की के द्वारा तो आपको न्याय नहीं मिलेगा, तो इनडायरेक्टली आप उस लड़के को ये मैसेज दे रहे हो। सिर्फ उस लड़के को नहीं, जितना लड़कों को ये इस जुल्म के बारे में पता चल रहा है, आप सबको ये मैसेज दे रहे हो
कि अगर आपके ऊपर कोई जुल्म होता है कोई लड़की द्वारा, तो आप पुलिस के पास मत जाओ, आप कोर्ट के पास मत जाओ, क्योंकि आपको न्याय नहीं मिलेगा। आपको न्याय करना है तो आपको खुद को करना है। और अगर लोग ऐसा सोचने लग गए तो इससे क्राइम ऑन वोमेन और बढ़ जाएगा। तो इनडायरेक्टली ये जो बढ़ावा दिया जा रहा है लड़कियों को, ये लड़कियों के लिए ही खतरनाक है। हाँ, उससे वो एक केस थोड़ी दिन पहले आया था, शायद आपको याद होगा, मुंबई से आया था कि लड़की ने उसके बॉयफ्रेंड को ब्रेकअप के बाद बोला था कि मेरे को शायद 20 लाख या कुछ एक लमसम अमाउंट वो देने के लिए, नहीं तो वो केस रेप केस फाइल कर देगी। तो बंदे बंदे ने उसको उसके गर्लफ्रेंड को एक्स गर्लफ्रेंड को मार दिया, ठीक है ना, याद है ना आपको। तो उस केसेस अभी इस केस में भी देखो लोगों का व्यू कैसा है। MRS ने, मेरे को नहीं पता, शायद किसी ने सपोर्ट किया होगा, नहीं मैंने तो नहीं देखा किसी MRA ने सपोर्ट किया, खाली इतना बोला कि देखो वो तो वैसे भी मरता है, वैसे भी मरता, तो उसने यही ये रास्ता चुन लिया, मजबूरी में चुना, ये एक चीज है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर लोग, मतलब ऑर्डिनरी पब्लिक ने उसको सपोर्ट किया, मतलब उसको नहीं, मतलब लड़की को सपोर्ट किया। और सिमिलरली थोड़े दिन बाद एक और केस आता है, वो कहीं इंडिया का नहीं है, वो बाहर का है, शायद जर्मनी का या फ्रांस का होगा। तो हमारा इंडिया का एक चैनल है जो ग्लोबल न्यूज कवर करता है, नाम नहीं ले रहा हूँ, आप समझ जाओगे कौन सा, बहुत बड़े मीडिया हाउस का है वो। तो उस पे क्या हो रहा है, वो जो जर्मनी वाला केस था उस पे लड़की का जो स्टेप डैड था, सौतेला बाप था, वो उसको सेक्सुअली अब्यूज करता था, पता नहीं क्या क्या और करता था। तो बीच में फिर उसके बेटी के साथ भी ये सब हो रहा था, तो उसने उसको क्या किया, एक दिन गोली मार दिया, गोली मार के उसको मार दिया। अभी इधर क्या हो रहा है, इधर क्या हो रहा है इस केस पे, ये इतने बड़े बड़े चैनल्स उनके रिपोर्टर्स लेके से नीचे तक सारे लोग उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि वो पता नहीं किस हालत से गुजरी होगी, उसका मानसिक स्थिति क्या होगा कि उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो ये तो बायसनेस तुम्हारे उस पर दिखता है। और उसको सपोर्ट कॉमेंट सेक्शन अगर आप देखो तो जितने औरतें नहीं है उससे ज्यादा मर्दे हैं, क्यों भाई, उस पे तो सपोर्ट नहीं किया मुंबई वाले को, इधर आ गया सपोर्ट करने। ये बायस के जब बच्चे होते हैं ना उस टाइप से, उस टाइम से इनके अंदर थोड़े 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 करके डाल दिया जाता है। सही बात है, ये एक बहुत लंबा प्रोसेस है, ये आज से स्टार्ट नहीं हुआ है, काफी सालों से स्टार्ट हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो माँ के लिए जो बच्चों का प्यार होता है वो तो डिवाइन होता है, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता है, वो दूसरा चीज है। लेकिन वही चीज को जो है इन लोगों ने यूज किया है, फेमिनिस्ट लोगों ने जो है उसको, मतलब मेनली जो इमोशनल पार्ट जो है एक आदमी के अंदर, उस चीज को यूज किया है। और बहुत सारे आदमी को ये इस चीज के बारे में तब तक पता नहीं चलता जब तक वो खुद विक्टिम नहीं बन जाता। और exactly. कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि वो भले ही विक्टिम बने और MRA मूवमेंट को शायद ज्वाइन भी कर ले, लेकिन जिस दिन उसका एक्विटल मिल गया वो फिर से अपना घर बसाने चला जाता है किसी और के पास, ऐसा भी सीन होता है और ये बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम लोगों को सक्सेस चाहिए इस फील्ड में, तो सबसे पहले तो उन लोगों को आना है जो अभी तक मतलब विक्टिम बने नहीं है, या उन लोगों को भी एडेड रहना है या जॉइंट रहना है इस मूवमेंट में जिनको एक्विटल मिल गया। अगर ऐसा हुआ कि जो विक्टिम बनते हैं वही है तो फिर इसमें ज्यादा फ्यूचर है नहीं। लेकिन अभी के टाइम में हमारे, हम अपने अपने ग्रुप में देख सकते हैं कि ऐसे बहुत लड़के हैं जिनका कोई केस नहीं है, जिनका कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं है, फिर भी MRM में जुड़े हुए हैं। तो ये बहुत अच्छा साइन है, ये लोगों के अंदर वो चीज का एहसास आ गया है कि आदमी जो है, आदमी के ऊपर अत्याचार हो रहा है और हम लोगों को काफी औरत का भी सपोर्ट मिल रहा है। लेकिन इसमें भी एक बात है कि हम लोग ये भी जानते हैं कि कुछ औरतें इसका फायदा भी उठाते हैं। तो हम लोगों को, आपको समझ में आ गया मैं किन के बारे में बता रहा हूँ। तो
तो हम लोगों को ये चीज ये इस चीज के बारे में एमआरएस को अवेयर भी करना है कि हाँ कुछ फेमिनिस्ट भी है जो एमआरए के डिस्गाइज में आते हैं और हजारों फॉलोअर्स भी होते हैं उनके हजारों नहीं जो, देखो, हाँ जो भी है, तो कम ज्यादा मतलब मैं बताना नहीं चाहता, नहीं तो लोग समझ जाएंगे किसके बारे में बोल रहा हूँ। तो नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। ये जो है, इन लोगों को थोड़ा हम लोगों को साइड करना है, क्योंकि वो लोग क्या करेंगे, वो सपोर्ट करते रहेंगे लड़कों को और दस दस ऐसा मैसेज डालेंगे और एक ऐसा मैसेज डाल देंगे और समझा देंगे लड़कों को कि हाँ तुम भी गलत हो, तुम ही गलत हो, इसीलिए लड़कियां ऐसे करती है। इसको इसको हाँ इसको क्या बोलते हैं, एक टर्म है इसके लिए शायद, हाँ सॉफ्ट या पता नहीं कुछ एक क्या है। नहीं, वो जो टॉपिक आपने बोला ना, उस पर 2 पॉइंट मैं रखना चाहता हूँ कि हाँ जो बोला कि जो एमआरएम में आए हैं केस खाने के बाद, आप नोटिस करके देख लेना, ज्यादातर वही लोग हैं जो इन फीमेल एमआरएस के लिए सिंपिंग करते हैं। सही वो बात, स्लोली स्लोली इनको मतलब अपने ग्रुप में सपोर्ट बेस में उनको ऐड करेंगे, उनको थोड़ा थोड़ा करके थोड़ा डोपामिन देंगे, इनको देने के बाद बीच में से अपना निकाल लेंगे। लोग किताबें बना रहे हैं, लोग फिल्में छाप रहे हैं, पैसा तो बन रहा है इनका। सही और बात एकदम। ये पर्टिकुलरली ये इंडिया का केस नहीं है, इंडिया के बहर भी हो रहा है ये। और दूसरी बात है कि यंगस्टर्स जो है, जो नए पीढ़ी के हैं, वो जो अभी थोड़ा थोड़ा बोल रहे हैं, भले वो खुद को एमआरए बोल के आइडेंटिफाई ना करे, जैसे मैं खुद नहीं करता, मेरे को, मैं अपने आप को एमआरए नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता? उन लोगों की वजह से। ये जो है ना कि कोई और, या तो एक हाथ पे बंदा फाइट कर रहा है कि मर्दों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, ठीक है, दूसरे हाथ पे कोई फीमेल एमआरए जाके किसी और मर्द को बोल रहा है, छक्का बोल रहा है और पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, उसके कमेंट सेक्शन में जाके हमारे हमारे लोग, वाह दीदी क्या बोल दिया, क्या अपील दिया। तो कर क्या रहा है भाई, तो खुद ही तो खुद को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। और जो नए बंदे आ रहे हैं, वो थैंक गॉड के आ रहे हैं अभी, और इसका पूरा क्रेडिट उन लोगों को जाता है जो आज से 5 साल 10 साल पहले, जो लोग अकेले, अभी तो फिर भी सपोर्ट है हमारे पास, बहुत कुछ, बहुत लोग सपोर्ट करते हैं अभी, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली के लेडीज भी अभी सपोर्ट करती हैं। सबके घर में लड़के होते हैं भाई, खाली लड़कियों हाँ का ही घर नहीं होता। जो जो लोग पहले शुरू शुरू में आए और अकेले मेंस राइट की बात किए, गालियां खाए, हरासमेंट हुए, जेल में भी डाला किन लोगों को, उन लोगों के हार्डवर्क का ये रिजल्ट है कि आज भले बहुत ज्यादा ना हो, एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा यंगस्टर्स भी अभी इसको एक्नॉलेज कर रहे हैं कि सोसाइटी पे कैसा है। और ये एक चीज है कि मैं, ये मेरे को लगता है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, जैसे आप देखो कि 2014 में एक अचानक से एक राइट विंग का अपराइज हो गया। अभी लोग बोलते हैं कि 2000 के बाद से देश में राइट विंग वालों का पता नहीं क्या हो गया, जैसे वो अमेरिका में ट्रंप का बोलते हैं। भाई मेरे हिसाब से तो ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है कि 1 साल या 2 साल में अचानक से लोगों को ऐसे बदल देना। ये कोई 1 लाख 2 लाख के पॉपुलेशन वाला देश थोड़ी है, ये 130 करोड़ का पॉपुलेशन है इधर। तो अगर लोगों के बीच में वो भावनाएं पहले भी ही थी, लेकिन लोग ओपनली उसको बता नहीं पाते थे। सिमिलरली एमआरएस के अंदर भी अभी जो मेंस राइट की बात करते हैं, डजन हैव टू बी अ एमआरए, जो भी नॉर्मल बंदा भी अगर मेंस राइट को सपोर्ट करता है, तो उन लोगों के अंदर जो ये भावनाएं थी वो पहले से ही थी, लेकिन उसको पहले वो एटमोस्फेयर नहीं मिला कि वो इन बातों को ओपनली बोल सके। जैसे स्कूल कॉलेज में से देख लो, जैसे हम जैसे गवर्नमेंट स्कूल में गए, वहां पे लड़के, हमारे क्लासरूम को हमें साफ करना होता था गवर्नमेंट स्कूल में, हमारे टाइम पे ऐसा होता था, अभी क्या होता है नहीं पता। तो साफ साफ सफाई करने की ड्यूटी हमेशा लड़कों की, कोई पूजा सरस्वती पूजा वगैरह हो गया, उसका सारा काम करने की ड्यूटी लड़कों की। तो उसके उस टाइम पे तो कोई वो बताता ही नहीं ना किसी को। अगर फील होता, जैसे मेरे को फील होता था कि भाई हर बार हम क्यों करें, ये लोग बैठे हैं आराम से, साफ सफाई कचरा उठाओ हम, वो सब हम करें, ये लोग बैठे हैं, और अगर एक दिन ना भी करे तो सबको पिटाई। हमारे टाइम पे तो पिटाई होती थी, अभी आजकल होती है कि नहीं होती वो तो नहीं पता। तो वो सही बायस बात, तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हुई तब, क्योंकि अगर कुछ बोले तो एक तो मार पड़ेगी, वो अलग, मेंस राइट का तो तब कुछ पता था नहीं, उस टाइम पे क्या पता होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि लोगों को
लोग हैं, बहुत लोग हैं जो मेंस राइट को सपोर्ट करते हैं, और ऐसे भी बहुत लोग हैं जो जिनको फेमिनिज्म का कुछ नहीं पता लेकिन फिर भी उनका पूरा बिहेवियर फेमिनिस्टों की तरह है, ठीक है ना। एक जरूरी नहीं है कि आप एक आइडियोलॉजी के साथ खुद को आइडेंटिफाई करो तभी आप वैसा बिहेव करोगे। तो हम लोग अभी ओपनली ये सब बातें कर रहे हैं, इसका एक बेनिफिट तो एटलीस्ट ये होगा कि जो लोग जो न्यूट्रल लोग होते हैं, जैसे दो बंदे बात कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं कि बीच में कूद के अपना ओपिनियन देंगे, और कुछ एक वास्ट मेजोरिटी ऑफ पीपल ऐसे है जो कोई ओपिनियन नहीं देंगे लेकिन साइड में खड़े होकर सुनेंगे। उन लोगों को अपने को वो करना है क्योंकि वो काम के बंदे होते हैं। सही बात है, वो बोलते नहीं है, वो अपने वोट में जनरली दिखाते हैं या अपने घर में जाके इम्प्लीमेंट करते हैं उस चीज को, वो बाहर कुछ बोलते नहीं, वो सुन के चले जाते हैं। ऐसे लोग ऐसा ही काम करते हैं। ये हम लोग ज्यादा करेंगे नहीं क्योंकि हम लोगों के पास बहुत सारे टॉपिक्स है जो हम लोगों को डिस्कस करना है धीरे धीरे। अगर हम लोग एक साथ कर देंगे तो लोगों को मतलब थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, तो हम लोग नए नए टॉपिक के साथ आएंगे, ऐसे डिस्कस करेंगे, तो इससे क्या होगा लोगों को पता चल जाएगा कि कौन सा दिन कौन सा डिस्कशन हो रहा है, और मतलब उन लोगों को समझने में भी आसानी होगा, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही। तो इसको आज के लिए इसको यहीं पे खत्म करते हैं।